Hi everyone, I'm on this side and we are going to talk about a very interesting topic जो बहुत लोग के मन में रहता है और बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या हम इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं विदाउट हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बिना इंग्लिश के कैन आई क्रैक अ गुड कंपनी, एक अच्छी कंपनी में क्रैक कर सकता हूँ या नहीं, हम इस पर बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो बात करते हैं पहली चीज के ऊपर। Whenever you go and apply for a company, आप किसी भी कंपनी को अप्लाई करते हैं, the first requirement is कि you're fit for the job, you know the skills for that job, right? Software engineering industry only requires technical skills, ठीक है? अगर तुम technical skills तुम्हारी अच्छी है ना, you're good in that skill, बस वो enough होता है। Requirement of good English comes when you reach a certain level. जब तुम एक बहुत अच्छी level पे चल जाते हो, एक बहुत अच्छी position पे चल जाते हो, तब तुम्हें English की इतनी ज़रूरत पड़ती है। But when you talk about just joining, language is not as important. ठीक है? तुम्हें focus जो करना है, starting में करना है, किस पे? Technical skills पे। Communication skills आती हैं काम, उस पे ही बात करेंगे। But when you achieve that level, एक level पे आने के बाद, ठीक है? If you become, for example, if you become a project manager or something, ठीक है, तब तुम्हें communication तुम्हारी अच्छी होना जरूरी है, because you have to collaborate with your whole team. तुम्हें अपना project सबको समझा रहे हैं, जो तुम्हारी partner teams है, wider teams है, सबको समझाना है, तो तुम्हें एक understanding होनी चाहिए project की. A bit more important thing, तुम्हें अपनी native language में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. Why? Because I've seen a lot of people जो बहुत अच्छे से develop करते हैं, बहुत अच्छी उनकी coding skills है, programming skills काफी अच्छी है, बट दे डोंट क्रैक दी जॉब बिकॉज इंग्लिश नहीं आती उनको. ठीक है, ऐसा होता है यार, ऐसा होता है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हें नहीं आती है इंग्लिश नहीं आती, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. द थिंग दैट मैटर्स इज कि तुम अपना थॉट प्रोसेस कैसे डिलीवर कर रहे हो सामने वाले को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, जरूरी नहीं किसी को इंग्लिश आई नहीं है, यू शुड बी कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, बट if you're not able to communicate your thoughts, interviewers don't care about who you are, what you were, right? They just care about that 1 hour, right? agar wo ye soch rahe hain ki tum unke sath kaam nahi kar sakte, you're not fit for the team, right? wo sabse pehli cheez yahi sochta hai ki tumhara communication baad mein aata hai, but are you able to process your thoughts, are you able to deliver your thoughts to your team? अगर वो तुम्हारे साथ काम कर सकता है, कम्युनिकेशन एक बैरियर नहीं है, फर्स्ट थिंग. तो जब भी तुम अपनी स्टेट के बाहर कहीं जाके जॉब अप्लाई करते हो, तो यू शुड नो इंग्लिश. काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं कि तुम्हें इंग्लिश से काफी ज्यादा फायदा होता है. फायदे पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स. बट इंग्लिश एक बैरियर नहीं है. द बैरियर इज फॉर स्टार्टर्स द बैरियर इज कि तुम्हें टेक्निकल स्किल्स तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तुम अपने विजन में क्लियर होने चाहिए, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना है, राइट, तो मेरे को उसका प्रोसेस आना चाहिए. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको इंग्लिश में समझाऊं या हिंदी में समझाऊं, बट मेरे को अपने थॉट को उसको क्लियरली डिलीवर करना है. ये जो डिलीवरी है, ये जो वन वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, दैट शुड बी क्लियर. यू शुड बी क्लियर विद योर एजेंडा. तुम्हारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या बताना है सामने वाले को. ऐसे करोगे तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एन इंटरव्यू, राइट? तो कभी ये मत सोचना कि मेरा इंग्लिश की वजह से है ना मेरा इंटरव्यू गया, खराब गया. इन सम केसेस इट्स पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ऑन 100 स्केल बात करें, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, वो 20% मैटर करता है. बिकॉज हो सकता है कि सामने वाले को सारी चीजें समझ नहीं आए, या फिर ही फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड समवन फ्रॉम साउथ इंडिया टॉक्स टू मी, इट माइट बी पॉसिबल कि उसको मेरी चीजें समझ नहीं है, बिकॉज ही इज मोर एक्वेंटेड विद इंग्लिश एंड तमिल और व्हाट एवर लैंग्वेज दे हैव इन साउथ. जब तक मैं उनको अपना थॉट प्रोसेस समझा पा रहा हूँ, तब तक सब ठीक होता है, ठीक है? तो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स व्हेन यू टॉक अबाउट नोइंग इंग्लिश. द फर्स्ट थिंग इज बिकॉज आज जो हमारी टीम होती है, वो काफी मिक्स टीम होती है. ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन जयपुर, तो सारे बंदे जयपुर के होंगे. बंदे होते हैं बाहर से भी आते हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एमएनसी, जैसे तुम बड़ी कंपनीज के बारे में बात करोगे, तो बड़ी कंपनी में कभी एक शहर के लोग नहीं होते, है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ राजस्थान, बैंगलोर, मुंबई, यहाँ से नहीं होते. नॉर्थ ईस्ट से भी होते हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ से भी होते हैं,
हर जगह से होता है. तो knowing English is a very good thing because you can share your ideas with your colleagues. तुम अपने colleagues के साथ share कर सकते हो. इसके अलावा English communication से you can write good letters, good messages which can show your positive sides to the other one. जिसको भी तुम message लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सब काफी अच्छे से होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी को टेक्स करना है, ठीक है, और मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती और मैं उसको टेक्स करूंगा, इट माइट शो बैड इंप्रेशन, बट इफ यू नो गुड इंग्लिश तो द पर्सन कैन रिवर्ट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, राइट. इसके अलावा थर्ड, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होता है ग्लोबल टीम से. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें इंग्लिश आती है कि टॉक डायरेक्टली टू पीपल इन न्यूजीलैंड, टू यूएस, टू यूके, टू रेडमंड, जहां तुम्हें बात करनी है तुम आराम से बात कर सकते हो. यू कैन कोलैबोरेट ऑन अ ग्लोबल लेवल, राइट. इसके अलावा इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो ये है कि कॉन्फिडेंस अच्छा आता है. कि हो सकता है 100 जनों में तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे करियर को भी बूस्ट करेगा, तुम्हारी जॉब परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करेगा. तो कॉन्फिडेंस ये जो वर्ड है इंग्लिश से बहुत आता है. फॉर एग्जाम्पल काफी बार क्या होता है व्हेन पीपल डोंट नो इंग्लिश तो उनको ना इंग्लिश बोलने वालों के बीच काफी कॉम्प्लेक्स आता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सामने है ना 6 जनों का ग्रुप है, दे आर टॉकिंग कम्प्लीटली इन इंग्लिश, राइट. हो सकता है तो मेरे को उनके सामने जाके ना एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है. मतलब लोगों के अंदर होता है कि उनको है ना इंग्लिश बोलने वालों के बीच बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आता है. तो जब तुम्हें इंग्लिश आएगी तो तुम ऐसे लोगों के सामने अपना थॉट पुटअप करने के लिए डरोगे, तुम्हें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तुम मतलब चाहोगे कि मैं लीड करूं यार. यू विल हैव नेसेसरी स्किल फॉर द जॉब परफॉर्मेंस. मतलब बात करने में तुम आराम से किससे बात कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा फिफ्थ पे आ जाता है कि जब तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम अपनी कॉन्वर्सेशन को लीड करोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई टॉपिक पे बोलने को दिया जाए, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन लीड अ क्लासरूम और लीड अ टीम, राइट. हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल कैन मेक यू अ वेरी गुड लीडर, ट्रस्ट मी. अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है यू कैन बी अ गुड लीडर व्हेन इट विल कम टू इट, ठीक है. इसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज प्रेजेंटेशन के अंदर तुम बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स शो कर सकते हो. काफी बार होगा जब तुम काम करने जाओगे तो तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी होगी, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे तुम्हारी इंग्लिश स्किल्स तुम्हारा काफी पॉजिटिव साइड दिखाएगी कि यार यस यू आर एबल टू कोलैबोरेट विद योर टीम, राइट. तो ये सारे मैटर्स जो होता है ना ये इंग्लिश स्किल से फर्क देता है. बट कमिंग टू द पॉइंट, यस यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट नोइंग गुड इंग्लिश. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज कि तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए. टेक्निकल स्किल्स तुम्हारी अच्छी है, तुम्हें जॉब के रेलेवेंट सब कुछ आता है ना, तो स्किल्स मैटर नहीं करती. स्किल्स जब मैटर करती है जब तुम एक सर्टेन लेवल पे काम करो, एक सर्टेन लेवल पे बात करना चाह रहे हो, राइट. फॉर एग्जांपल तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो या मैनेजर हो या जॉइंट मैनेजर हो या ग्रुप मैनेजर, कुछ मतलब एक अच्छी सी पोस्ट पे हो तुम, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है. बिकॉज यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, रिलीजन, रीजन्स, है ना, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के लोग होते हैं, काफी अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं. तो इसलिए जब तुम एक अच्छे सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो, जब यू रिक्वायर अ गुड इंग्लिश स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम इट एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए यू विल हैव टू हैव गुड टेक्निकल स्किल्स. अगर टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन हेल्प नहीं करेगी, राइट. बहुत बार देखा है मैंने कि देयर आर लॉट ऑफ ब्रिलियंट प्रोग्रामर्स बट दे डोंट नो इंग्लिश, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती, बट दे गेट टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, एक बहुत अच्छी उनको जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह वो पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स. तो पहली बात, ऑलवेज टेक्नोलॉजी का जो हैंड होता है वो अपर हैंड टेक्नोलॉजी का होता है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का होता है, कम्युनिकेशन का इधर होता है, ठीक है. अगर कम्युनिकेशन मैटर करती है तो बस इतना मैटर करती है कि तुम इसको हल्का सा ऊपर कर सकते हो व्हेन यू गो फॉर अ वेरी गुड पोजिशन. अगर तुम एक अच्छी पोजिशन पे जाना चाहते हो तब तुम्हारा अपर हैंड कम्युनिकेशन पे होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कोलैबोरेट विद ऑन ग्लोबल लेवल, ठीक है. बस ये था, कम्युनिकेशन लेवल बस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, बट अगर तुम इंग्लिश अच्छी कर लोगे तो इट इज गोना हेल्प यू अलॉट प्रेजेंटेशंस में, तुम्हारे कोलैबोरेशन विद ग्लोबल टीम्स में, तुम्हें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देगा, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा. अपार्ट फ्रॉम इट टेक्निकल स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, एंड यू कैन गेट अ गुड जॉब विदाउट नोइंग अ गुड इंग्लिश. थैंक यू गाइज. तो इंग्लिश से मत डरो, थोड़ा सीख लो, बाकी हो जाएगा, ठीक है. टेक्निकल स्किल्स पर हमेशा अपना अपर हैंड रखो. थैंक यू गाइज, आई होप अच्छा लगा होगा. प्लीज शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच मोर ऑसम वीडियोज.